इमरान के जहन में धमाके हुए और इन धमाकों की वजह से उसके तारीख जहन में रोशनी फैलना शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद इमरान की आंखें खुलनी तो लाशौरी तौर पर इमरान ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। उसने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखा और बेख्तियार उसके होंठ पिंच गए, क्योंकि वो इस वक्त एक बड़े हालनुमा कमरे में रॉड्स में जकड़ा हुआ एक कुर्सी पर मौजूद था। उसके सारे साथी भी उसकी तरह रॉड्स में जकड़े हुए मौजूद थे, जबकि सामने कुर्सी पर राइट बड़े फातेहाना अंदाज में बैठा हुआ था। उसके पीछे दो मशीन गन बरदार खड़े थे, जबकि एक आदमी कतार के सबसे आखिर में मौजूद सफ्तर के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। मशीन गन उसके कंधे से लटकी हुई थी। तुम्हें होश आ गया इमरान, राइट ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान? कौन इमरान? मेरा नाम तो माइकल है, इमरान ने कहा तो राइट बेइख्तियार हंस पड़ा। एक बार तुम इसी अंदाज में मुझे अहमक बना चुके हो और बेचारी बकारी तुम्हारे इस अंदाज की वजह से मौत के घाट उतर गई है। दूसरी बार ऐसा नहीं हो सकता, तुमने शायद गौर से अपने साथियों को नहीं देखा, ये सब अपने असल चेहरों में हैं, राइट ने कहा तो इमरान ने चौंक कर एक बार फिर अपने साथियों को देखा और उसके साथ ही उसने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। उसके सारे साथी वाकई अपने असल चेहरों में थे, इसका मतलब था कि वो भी अपने असल चेहरे में था। इस बार पानी से तुम्हारा स्पेशल मेकअप आसानी से साफ हो गया है, हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। बहरहाल जो कुछ भी था मुझे उससे गर्ज नहीं है। अब तुम यहाँ जकड़े हुए मौजूद हो और ये भी बता दूं कि तुम्हारी कुर्सियों के रॉड्स के जो बटन कुर्सियों के अकब में मौजूद हैं उन्हें ठोंक कर फैला दिया गया है, इसलिए अब ये रॉड्स सिवाय काटे जाने के और किसी सूरत खुल ही नहीं सकते। तुम चाहो तो बेशक टांग मोड़कर बटन को प्रेस करने की कोशिश कर सकते हो। कोई मदाखलत नहीं करूंगा, राइट ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुमने हमारा सुराग कैसे लगा लिया? इमरान ने पूछा। बड़ी आसानी से SVS की वसी रेंज मशीनरी नाराग से मंगवाई थी और उसे पूरे मोन्स में फैला दिया गया। तुम्हारा नाम इमरान और प्रिंस ऑफ डंप के साथ साथ कंप्यूटर में फीड शुदा पाकिस्तानी जबान के फिगरे भी अटैच कर दिए गए। नतीजा ये कि SVS ने काशन देना शुरू कर दिया कि तुम वारोक कॉलोनी की कोठी नंबर 82 में मौजूद हो, जिस पर मैंने अपने ग्रुप को वहां भेजा। मेरे हुक्म पर उन्होंने वहां ऐसी खसूसी और जोद असर गैस फैर कर दी जिसका एंटी सिर्फ मैं जानता हूँ, और फिर तुम्हें बेहोशी के आलम में वहां से उठाकर यहाँ लाया गया, और फिर मैंने पहले इन कुर्सियों को एडजस्ट किया और फिर तुम्हें बेहोशी से होश मिलाया गया, राइट ने मजीद तफसील बताते हुए कहा। क्या ये SVS अभी तक काम कर रही है? इमरान ने कहा। नहीं, फिलहाल तो मैंने उसे बंद करा दिया है, लेकिन वो किसी भी वक्त काम कर सकती है, वरना वो यहाँ का काशन देना शुरू कर देती, राइट ने कहा। अब तुम क्या चाहते हो? इमरान ने पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी मौत। मैंने इसलिए तुम्हें बेहोशी के दौरान हलाक नहीं किया कि तुम्हारा हक हासिल है कि मरने से पहले तुम्हें सब कुछ मालूम हो सके। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, अगर तुमने कोई बात करनी हो तो बेशक कर लो, राइट ने कहा। वेरी गुड, नरम दिली और रहम दिली इसी को कहते हैं। तुमने हमारे आजाद होने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और हमने बहरहाल मरना तो एक रोज है ही, अलबत्ता क्या तुम ये बताओगे कि तुम बेहोश मार्था को कहाँ छोड़ने गए थे? इमरान ने कहा तो राइट बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम सब हेडक्वार्टर का पता मालूम करना चाहते हो, वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की रूहें तो वहां जा सकती हैं लेकिन तुम खुद वहां नहीं जा सकते, राइट ने हंसते हुए कहा। इसका मतलब है कि मार्था को तुमने सब हेडक्वार्टर पहुंचाया है, क्यों? इमरान ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। चीफ स्टैचू मार्था के पीछे शुरू से ही पागल है, न जाने उस मार्था ने उस पर क्या जादू कर रखा है। अब भी चीफ ने हुक्म दिया था कि मार्था को उसके पास पहुंचा दिया जाए, चुनांचे मैंने उसे वहां पहुंचा दिया और मुझे शक पड़ा था कि जब मैं रेड पॉइंट से बाहर निकल रहा था तो तुम लोग वहां बाहर सड़क पर मौजूद थे। अलबत्ता ये बात बहुत देर बाद मेरे शऊर में उजागर हुई, लेकिन उस वक्त तक तुम रेड पॉइंट पर रिचर्ड और उसके साथियों को हलाक करके जा चुके थे, राइट ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम सब हेडक्वार्टर के बारे में बता रहे थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करोगे पूछकर, राइट ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी खलिश मिटाना चाहता हूं और क्या कर सकता हूं, इमरान ने कहा तो राइट बेइख्तियार हंस पड़ा। सब हेडक्वार्टर स्टार टाउन में है, ऊपर क्लब है सागर क्लब, नीचे तहखानों में सब हेडक्वार्टर है,
राइट ने जवाब दिया। क्या उसका रास्ता क्लब से है या अलहदा है, इमरान ने पूछा। अलहदा भी है और क्लब से भी है, लेकिन अब ये दोनों रास्ते बंद हैं और सिर्फ चीफ स्टैचू के हुक्म पर खोले और बंद किए जाते हैं, राइट ने कहा। चीफ स्टैचू से कैसे रब्ता होता है, इमरान ने पूछा। क्लब का मैनेजर हनरी फोन पर बात करता है, उसके पास स्पेशल लाइटिंग है, वैसे स्पेशल ट्रांसमीटर पर बराह रास्त बात भी हो सकती है, राइट ने जवाब दिया। तुमने सारी उम्र तो सरकारी एजेंसी में गुजारी है, अब अपना बुढ़ापा क्यों खराब करते फिर रहे हो दहशतगर्द तंजीम में शामिल होकर, इमरान ने कहा, तो राइट एक बार फिर हंस पड़ा। ये मेरा जाती मामला है, उसे छोड़ो और अब बताओ कि क्या तुम्हें हलाक कर दिया जाए या कुछ देर और इंतजार किया जाए, राइट ने कहा। क्या हमें हलाक करना तुम्हारे बस में है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ इस वक्त मेरे बस में है, राइट ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल दिया। ओके अब आखिरी फरमाइश, इसके बाद तमाम फरमाइशें बंद, इमरान ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या, राइट ने चौंककर पूछा। सिर्फ 10 मिनट हमें अकेला छोड़ दो, अपने साथियों को भी साथ ले जाओ ताकि हम इस तन्हाई में इत्मीनान और सुकून से दुआ मांग सकें, इमरान ने कहा, तो राइट बेख्तियार हंस पड़ा। 10 मिनट नहीं, निसफ घंटा ले लो, तुम या तुम्हारे साथी इस रात से आजाद नहीं हो सकते, राइट ने उठते हुए कहा और फिर उसने वहां मौजूद तीनों मशीन गन बरदारों को भी बाहर जाने का इशारा किया और खुद भी तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। इमरान साहब, राइट क्यों इस कदर ढील दे रहा है, सफदर ने राइट की जाते ही कहा। वही एहसास तफाहर के हम बेबस हैं और वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है, इमरान ने कहा। तो अब इन राड से छुटकारा कैसे होगा, अब आपकी बार, तनवीर ने कहा। साहले अगर चाहे तो हम राड से आजाद हो सकते हैं, इसलिए मैंने राइट और उसके साथियों को बाहर भिजवाया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं, वो कैसे, मैंने तो अपने तौर पर बेहद कोशिश की है लेकिन राड बेहद तंग है, साहले ने चौंककर जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी कुर्सी सबसे आखिर में है, उसके बाद कुछ फासले पर मौजूद दीवार है, कुर्सियों के पाए फर्श में गड़े हुए नहीं हैं, तुम उछलकर उसका रुख मोड़ सकती हो, जैसे ही तुम्हारी कुर्सी का रुख दीवार की तरफ होगा उसकी पुश्त तुम्हारे साथ बैठी हुई जोलिया की तरफ हो जाएगी और इस तरह वो बटन जिसे प्रेस कर दिया गया है जोलिया को नजर आना शुरू हो जाएगा। जोलिया इस बटन पर जूती की टो मार कर जरब लगाने की बजाय ऊपर नीचे दाएं बाएं जरब लगाएगी और राड्स खुल जाएंगे, इमरान ने कहा। वो कैसे इमरान साहब, इनके किनारे तो चोट खाकर और भी दब गए होंगे, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जल्दी करो, राइट किसी भी लम्हे वापस आ सकता है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। तो साहले ने पैरों को फर्श पर रखकर अपने जिस्म को ऊपर की तरफ उछाला तो कुर्सी कुछ ऊपर को उठकर वापस फर्श पर गिरी तो उसका रुख किसी हद तक बदल गया था। चंद लम्हों के बाद साले ने 2-3 बार उठकर इसी अंदाज की कोशिश की तो कुर्सी का रुख बाकायदा तौर पर बदल गया और उसके साथ ही जोलिया ने एक पैर से जूती की टो उस बटन के चारों तरफ जोर जोर से मारना शुरू कर दी लेकिन राड्स ना खुले। अलबत्ता उसी लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और राइट तेजी से अंदर दाखिल हुआ, दूसरे लम्हे वो बेख्तियार ठटक कर रुक गया। ओह तो तुम राड्स से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, नॉनसेंस, हालांकि मैंने बताया है कि ऐसा मुमकिन नहीं रहा और अब तुम्हें मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती, राइट ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। जान बचाने की कोशिश करना तो फर्ज होता है, राइट, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। राइट के पीछे 3 मुसल्ला अफराद भी अंदर दाखिल हो गए थे। इस लड़की की कुर्सी को सीधा करो, अब इनका खात्मा तरतीब से होगा, पहले उस लड़की को और फिर आखिर में इमरान को गोली मारी जाएगी, राइट ने कहा। तो उसके साथ जिनके कांतों से मशीन गने लटकी हुई थीं तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने मिलकर साले की कुर्सी उठाकर सीधी करके छोड़ा तो एक धमाके के साथ कुर्सी फर्श पर गिरी ही थी कि अचानक खटक खटक की आवाज के साथ ही साले के जिस्म के गिर्द मौजूद राड्स गायब हो गए और दूसरे लम्हे एक आदमी चीखता हुआ उछलकर अपने दूसरे साथी से टकराया। साले ने इंतहाई तेज रफ्तारी से उछलकर मुड़ते हुए एक आदमी को धक्का देकर दूसरे पर गिरा दिया था और फिर उससे पहले के राइट सूरत हाल समझता, जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह साले उड़ती हुई
सीधी राइट से टकराई और राइट चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि साले कलाबाजी खाकर उसके अकब में गई और उसके साथ ही मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट के साथ ही उनको की तरह मुंह खोले खड़ा तीसरा आदमी और नीचे गिरकर उठते हुए दोनों आदमी चीखते हुए नीचे गिरे ही थे कि यकलख्त राइट का जिस्म किसी तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ साले से टकराया और साले चीखती हुई उछलकर नीचे गिरी। उसने राइट से टकराकर उसका मशीन पिस्टल छीन लिया था जिससे उसने इन तीनों पर फायर खोल दिया था। वो मशीन पिस्टल उसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरा तो राइट बिजली की सी तेजी से उस मशीन पिस्टल पर झपटा, लेकिन उससे पहले कि वो मशीन पिस्टल उठाकर सीधा होता साले उछलकर ना सिर्फ सीधी हुई बल्कि उसने राइट पर छलांग लगा दी। लेकिन दूसरे लम्हे साले चीखती हुई उछलकर एक धमाके से साइड पर जा गिरी। राइट ने घूमकर उठते हुए साले को सिर्फ हाथ लगाया था और साले जरब खाकर उछलकर साइड पर जा गिरी थी और राइट सीधा हुआ और उसने तेजी से घूमकर मशीन पिस्टल का रुख साले की तरफ किया ही था कि यकलक राइट एक बार फिर चीखता हुआ लड़खड़ाकर एक साइड पर हुआ और मशीन पिस्टल उसके हाथ से निकलकर एक बार फिर दूर जा गिरा था। साले ने इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर एक मशीन गन को नाल से पकड़कर अचानक राइट की तरफ पूरी कुव्वत से फेंका था और मशीन गन तेजी से घूमती हुई राइट के सीने और हाथों से टकराई थी, लेकिन राइट सिर्फ लड़खड़ाकर साइड पर हुआ था, वो नीचे नहीं गिरा था, जबकि साले अब उछलकर खड़ी हो चुकी थी और इस तरह सांस ले रही थी जैसे दूर से दौड़ती हुई आई हो। राइट चंद लम्हों तक बड़ी कीना नोतोज नजरों से साले को देखता रहा और फिर उसने यकलख्त उस पर छलांग लगा दी। साले बिजली की सी तेजी से साइड पर हटी, लेकिन राइट ब्लैक एजेंसी का इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट था। उसका जिस्म फिजा में घूम गया और दूसरे लम्हे कमरा साले के हल्क से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा। साले राइट की जरब खाकर उछलकर साइड दीवार से जा टकराई थी, जबकि राइट एक लम्हे के लिए कदमों पर खड़ा रहा और दूसरे लम्हे उसने एक बार फिर पूरी कुव्वत से साले पर छलांग लगा दी। वो शायद अब साले का खात्मा करने पर ही तुल गया था, लेकिन दूसरे लम्हे कमरा राइट के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा, क्योंकि साले जो दीवार से टकराकर नीचे गिरी थी तेजी से करवट बदलकर साइड पर हुई और राइट को बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालना पड़ा और उसने अपना सर दीवार से टकराने से बचाने के लिए दोनों हाथों को सामने दीवार पर रखे ही थे कि यकलख्त साले तड़पी और उसका सारा जिस्म पूरी कुव्वत से राइट की पूंछ से टकराया और दोनों हाथ दीवार पर रखकर अपने आप को संभालने में मसरूफ राइट हवा में उछलकर दीवार से टकराया और फिर साइड पर जा गिरा, जबकि साले उछलकर फिर उठकर साइड पर जा खड़ी हुई। उसके साथ ही तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही राइट के हल्क से निकलने वाली कर्बनाक चीखों से कमरा गूंज उठा। साले के हाथ में राइट का ही मशीन पिस्टल था। मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां तो तवातर से राइट के जिस्म में चली जा रही थी। चंद लम्हों बाद राइट का जिस्म साकित हुआ। उसका जिस्म शायद के मक्खियों के छत्ते में तब्दील हो गया था। अरे अरे रुक जाओ, कुछ गोलियां बचा लो हमारे लिए, अचानक इमरान ने कहा तो साले की उंगली ट्रैगर से हट गई और बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने लगी। वेल्डन साले, आज तुमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में होने का हक अदा कर दिया है, वरना राइट जैसे इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट इस अंदाज में लड़ना और फिर उसे हलाक करना मेरे लिए भी खासा मुश्किल हो जाता, इमरान ने कहा तो साले का चेहरा जकलख जगमगा सा उठा। अब हम कैसे आजाद होंगे, जोलिया ने कहा। उसी लिए तो मैंने कहा था कि कुछ गोलियां हमारे लिए बचा लो। साले तुम हर कुर्सी के अकब में जाकर बटन पर फायर करो, इस तरह राड्स खुल जाएंगे, इमरान ने कहा तो साले सर हिलाती हुई पहले इमरान की कुर्सी के अकब में पहुंची और उसने फायर खोल दिया। फायर के साथ ही खटक खटक की आवाजों के साथ ही इमरान की कुर्सी के राड्स खुल गए और फिर साले ने उसी तरह बाकी सब साथियों को भी राड्स की गिरफ्त से आजाद करा दिया। इमरान साहब, साले के राड्स अचानक कैसे गायब हो गए, अचानक सफदर ने कहा तो सब बेख्तियार उछल पड़े। अरे हाँ, ये अचानक क्या हुआ था, मैं तो खुद समझ नहीं सकी, जोलिया ने कहा। जो काम तुम कर रही थी वो इन आदमियों ने मिलकर मुकम्मल कर दिया, जिन्होंने साले की कुर्सी उठाकर उसे सीधा करके छोड़ा तो उस तरह लगने वाले झटके ने अपना काम दिखाया जो अब साले ने फायरिंग करके किया है। प्रेस्ट बटन एक जोरदार झटके से भी खुल सकता था, वैसे इमरान ने कहा तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।